सो वेलकम बैक स्टूडेंट, नाउ अगेन वी आर बैक विद द सेकंड पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। आप सभी को मैंने बताया था कि ट्रैवलिंग इन द ट्रैवल्स के बारे में थ्रू द आईज ऑफ ट्रैवलर्स हमने देखना है इस पूरे चैप्टर के अंदर तीन ट्रैवल के बारे में। मैंने आप सभी को कहा था कि हम तीन पार्ट के अंदर इस पूरे चैप्टर को खत्म कर देंगे और यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे ट्रैवलर्स के बारे में पढ़ा जा रहा है। तो हमने इससे पहले वाली वीडियो के पहले पार्ट में हमने अल ब्रूनी के बारे में बहुत अच्छे तरीके से पढ़ लिया था और अल ब्रूनी के बारे में आपने काफी कुछ जाना था। एंड नाउ इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट द इब्न बतूता ऑल्सो एंड इन द थर्ड पार्ट वी विल डिस्कस अबाउट द फ्रांसवा बर्नियर। मतलब हमारे भारत के अंदर बहुत से ऐसे ट्रैवलर्स बाहर के देश से आए थे जो कहीं ना कहीं हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी थे, तो इसीलिए हमें उनके अकाउंट्स को जानना था कि उस टाइम पीरियड पे उन्होंने हमारे भारत की संस्कृति को या भारत के सोशल कस्टम्स को किस हिसाब से देखा और देखने के बाद उन्होंने इस चीज को अपने बुक के अंदर मेंशन करा। सो लेट्स टॉक अबाउट दिस। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। हमने वीडियो का पहला पार्ट इसका अपलोड किया हुआ है, नाउ दिस इज सेकेंड पार्ट। और अगर आप हमारे चैनल के साथ जुड़े हुए हैं और हमारे चैनल के लेटेस्ट अपडेट के साथ जुड़े रहना चाहते हैं तो आप इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर और यहाँ पे टेलीग्राम पे नोट्स के लिए भी जुड़ सकते हैं। आपका बहुत बहुत वेलकम रहेगा। सो लेट्स टॉक अबाउट द इब्न बतूता। इब्न बतूता एक ऐसे विख्यात विश्व यात्री थे और मैंने अपनी लाइफ के अंदर इससे बड़ा ट्रैवलर नहीं देखा और मुझे नहीं लगता कि मेरे जीवन के अंदर मैं इतना ट्रैवल कर पाऊंगा। ये बंदा जब तक जिया इसने सिर्फ ट्रैवलिंग ही करी। और जो आज के व्लॉगर होते हैं ना यूट्यूब चैनल के ऊपर जो व्लॉग डालते हैं, हम यहाँ गए, हम वहाँ गए, ये उस टाइम पीरियड पे इतने सारे प्लेसेस पे होके आ चुका था जो आज के किसी व्लॉगर के बस की नहीं है घूमना। सो लेट्स टॉक अबाउट दिस। तो यहाँ पे सबसे पहले आप देखेंगे कि अफ्रीका का एक यात्री था, मोरक्को के अंदर पैदा हुआ था। एंड आप ये मोरक्को देख सकते हैं, पूरा का पूरा मोरक्को है। एक्चुअली ये अफ्रीका के कॉन्टिनेंट की एक कंट्री है मोरक्को, ठीक है। तो मोरक्को के अंदर ये पैदा हुआ था, ठीक है, आपको दिखाई दे रहा होगा। मोरक्को के अंदर एक जगह है जिसे पे तंजीर बोलते हैं। यहाँ पे एक छोटे से इलाके के अंदर ये पैदा हुआ था। अगर आपको इसका डीपली मैप जानना है तो आप ये देख सकते हैं, यहाँ पे तंजीर एक प्लेस दिखाई आपको दे रही होगी, यहाँ पे ये बंदा जो था ये पैदा हुआ था। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि शुरुआती समय से ही, छोटी सी उम्र से ही उस बंदे को क्या कहते हैं, साहित्य का ज्ञान था, मतलब उसे लिटरेचर का बहुत अच्छा नॉलेज था और वो बहुत ही स्कॉलर्स के साथ यंग एज के अंदर काम करने लग गया था। मतलब उसने बहुत ही सारे स्कॉलर्स के अपना समय बिताया और बहुत सारी चीजों को सीखा। एट द एज ऑफ अर्ली एज, जहां बच्चे पबजी मोबाइल और साथ में फेसबुक, इंस्टाग्राम पे अपनी सेटिंग्स को ढूंढ रहे होते हैं, यहां पे ये बंदे ने उस एज के अंदर क्या कहते हैं लिटरेचर्स की चीजों को ढूंढना चालू कर दिया था। तो बहुत ही महान व्यक्तियों में से एक हो सकता है कि उस एज में इसने सीखा। और आप देखेंगे कि उन्होंने अपनी ये बोला कि किताबों से नॉलेज नहीं मिलती है। उस बंदे ने बोला कि स्मार्टनेस, जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं उन्होंने जरूर ये इंटरव्यू देखा होगा, स्मार्टनेस डजंट कम्स फ्रॉम द बुक। अगर आप क्या कहते हैं स्मार्टनेस अपने अंदर लाना चाहते हैं तो बुक के अंदर से नहीं मिलेगी, वो आपको ट्रैवल करना पड़ेगा, यू नीड टू बी एक्सपीरियंस प्लेयर। और यहाँ पे जो आपके कहते हैं इब्न बतूता थे, उन्होंने कहा कि किताबें पढ़ने से अच्छा ये यात्राएं करनी चाहिए। और यात्रा करते वक्त उसने जो भी चीजें नॉलेज इकट्ठा करी वो सारी चीजें फिर सबने बुक के अंदर लिखी एंड देन फाइनली क्या कहते हैं आज आप इनके बारे में इतनी ज्यादा बड़ी मात्रा के अंदर देख पा रहे हैं। ये बंदा कैसे भारत आया, भारत के आने के बाद कैसे ये बंदा क्या कहते हैं दूसरे प्लेसेस पे गया, दूसरे प्लेसेस पे आने के बाद कैसे दोबारा वापस मोरक्को को आ गया। तो मतलब बहुत ही खतरनाक कहानी है। बट इनका एक इंपॉर्टेंट कोट अगर आप देखें तो ही कंसिडर्ड दैट नॉलेज गेन थ्रू द ट्रैवलर्स इज मोर इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ देन द बुक। मतलब ट्रैवलर के थ्रू नॉलेज मिलना वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, मोर देन बुक के स्टडी करने से या रीड करने से। तो बहुत अच्छी बात बताई इन्होंने, मे बी शायद से हमें भी मौका मिले इनके जैसे तो हम ट्रैवल करें। सबका मकसद होता है, सबका सपना होता है मॉरिशस में जाना, वहां जाना, वहां जाना, लेकिन ये बंदा रियल का ट्रैवलर था। ये आप देखेंगे कि ये एक ऐसा विश्व यात्री था जिसने नई दुनिया खोजी, नए शहर खोजे, नया ज्ञान खोजा और ये बंदा रुका नहीं। आप देखेंगे तंजीर से यहां से निकला, ये पूरा प्लेस दिखाई दे रहा है, पहले ये यहां यहां गया, मतलब 1325 से 1327 के बीच में आपको रेड वाला दिखाई दे रहा है, उसके बाद 1330 से लेके 1332 के बीच में आपको ये ग्रीन दिखाई दे रहा है, ये ग्रीन का प्लेस है, पूरा का पूरा दो साल तक यहाँ पे घूमा ये, उसके बाद 1332 से लेके 1946 तक ये आपको दिखाई देगा, फिर यहाँ पे इंडिया में यहाँ से आया घूमता हुआ, सिंध से आया, दिल्ली में आया, दिल्ली से फिर यहाँ गया मालाबार कोस्ट, फिर यहाँ पे मालदीप, मालदीप से सुमात्रा, सुमात्रा से चाइना, चाइना से
फिजिंग पता नहीं कहाँ का चला गया, और उसके बाद देन फाइनली 1349 से 53 के बीच में ये बंदा वापस बैक टू मोरक्को और यहाँ के प्लेसेस में घूमा। तो दिस इज ऑल द ट्रैवलिंग प्लेस, मतलब हम अपनी पूरी लाइफ के अंदर आप जहाँ पे रह रहे हैं, आप वहाँ पे भी प्रॉपर तरीके से नहीं घूम सकते हैं। अगर मैं आपको बोलूँ कि एक महीने आपको बोल दिया जाए कि अपनी पूरी की पूरी प्लेस को एक्सप्लोर करो, सो इट्स नॉट पॉसिबल। मैं दिल्ली में रहता हूँ, मैंने भी कोशिश करी थी, मैं भी बहुत सारी जगह घूमा, लेकिन ऐसे सही मायने बहुत ही अनसुलझी जगहें होती हैं जहाँ पे हम घूम नहीं पाते हैं। लेकिन ये बंदा तो ऐसा ट्रैवलर था जिसने, देख सकते हो, एशिया और क्या कहते हैं अफ्रीका के इतने सारे कॉन्टिनेंट है, साउथ ईस्ट के इतने सारे कॉन्टिनेंट्स हैं, इतनी सारी कंट्रीज हैं, यहाँ पे समय समय पे घूमता रहा। अब मुझे तो ये समझ में नहीं आया कि अगर ये घूमता रहा तो इसको फंडिंग कौन कर रहा था, इसको पैसे कौन दे रहा था, तो एक बहुत ही इनक्रेडिबल सोचने वाली बात है। अच्छा कोई नहीं, देखते हैं जैसा भी था बंदा ये। तो इंडिया में आने से पहले इसने बहुत सारे धार्मिक स्थलों, मक्का मदीना और ऐसे बहुत सारी प्लेसेस, सीरिया, इराक, पर्शिया, यमन, ओमान और ऐसे बहुत सारी कोस्टल ईस्ट एरिया की प्लेसेस जो थी इसने घूमी थी। अब इंडिया के अंदर ये बंदा कहाँ से आया, सिंध से आया, क्योंकि मैंने कहा था ना वहाँ से ट्रैवल करता 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 यहाँ पे आया। सो ही कम्स इन इंडिया इन 1333 इंडिया के अंदर, क्योंकि सिंध पे तो ये 1932 से पहुँच गया था, लेकिन इंडिया के अंदर आते आते इसको 33 दिन का सफ़र लगा, क्योंकि ये ट्रैवलर था। अब इसके पास धूम मचाले वाली बाइक तो थी नहीं कि ये बंदा बस स्टार्ट करेगा और निकल जाएगा, पहले तो घोड़े ऊँट हुआ करते थे, ट्रैवलिंग करने में समय लगता था, तो ये बंदा धीरे धीरे करके पहुँचा और ट्रैवलर था तो भाई ये इंडिया के अंदर आया। अब देखिए इंडिया के अंदर जो भी आना चाहता है तो इंडिया के अंदर आने के लिए एक मेन मकसद होता है कि कुछ इन्वेंशन, नॉलेज, कुछ ज्ञान प्राप्त करना, कुछ सीखना, घूमना, मौज मस्ती मारना, किसी के लिए तो आया होगा ना वो, तो उसको पता चला, उसको क्या पता चला कि इंडिया के अंदर कुछ एड़े किस्म के लोग भी होते हैं जो क्या कहते हैं इन चीज़ों को पसंद करते हैं। तो ये बंदे ने बहुत अच्छा दिमाग लगाया, अपना साइंटिस्ट दिमाग खेला इस बंदे ने, और खेलने का जिसको ये पता चला कि दिल्ली के अंदर एक बंदा तुगलक वंश का एक बंदा रहता है जिसे मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से जानते हैं। तो मोहम्मद बिन तुगलक वॉज द पर्सन एट दिस टाइम, ही वॉज द रूलर ऑफ तुगलक डायनेस्टी। तो तुगलक डायनेस्टी की अगर एस्टैब्लिशमेंट देखें तो तुगलक डायनेस्टी 1321 के टाइम पीरियड के अंदर एस्टैब्लिश कर दी गई थी गियासुद अल दीन तुगलक के द्वारा। सुल्तान बोला जाता था इन्हें और ये गुलाम वंश था पूरी तरीके से। आप देख सकते हो कि यहाँ तक इसका डायनेस्टी फैला हुआ था। इनके मरने के बाद मोहम्मद बिन तुगलक जो थे 1325 से 1351 के बीच में सत्ता में थे, और क्योंकि 1325 से 1351 के बीच में सत्ता में थे तो ये बंदा 1333 में आया था। सो ऑफकोर्स बात है कि भाई इस टाइम पीरियड पर ये इन्हें मिले होंगे। अब इसको ये पता था मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में, किसको, इब्न बतूता को, कि ये बंदा कहते हैं कला का, उसके बाद साहित्य का, लिटरेचर का, आर्किटेक्चुरल चीज़ों का बहुत अच्छा प्रेमी है, बहुत अच्छा लोगों को पसंद करता है। सो देन फाइनली ही कम टू इंडिया, और जब ये इंडिया आया तो वहाँ पे उसने क्या कहते हैं मोहम्मद बिन तुगलक को अपनी कला से, अपने काम काज से खुश कर दिया। अब खुश करने का मतलब आपको समझ में आ गया होगा कि उन्होंने खुश करा, और दिल्ली के अंदर वो इतना ज़्यादा खुश हुए मोहम्मद बिन तुगलक। तुगलकाबाद अगर आप देखें तो बहुत बड़ा शहर है इनका, इस बंदे ने वहाँ पे इसको जज, एज अ जज अपॉइंट कर दिया। तो सोचिए कितना ज़्यादा, मतलब एक ये क्या बंदा होगा कि यहाँ पे उसे डायरेक्टली गाजी अपॉइंट कर दिया दिल्ली का, तो बहुत बड़ी बात है दिल्ली का गाजी अपॉइंट कर देना। तो मोहम्मद बिन तुगलक जब इब्न बतूता से मिलते हैं, या इब्न बतूता मोहम्मद बिन तुगलक से मिलता है, तो यहाँ पे देखो मोहम्मद बिन तुगलक उन्हें क्या देता है, उनको धनुष देता है, कुछ घोड़े देता है, कुछ कैमल्स देता है, इवन वो स्लेव्स भी देता है और कुछ अदर गुड्स भी देता है। किसको देता है, वो देता है आपके मोहम्मद बिन तुगलक को। कौन देता है, यहाँ पे इब्न बतूता। और मोहम्मद बिन तुगलक उन्हें क्या देता है रिस्पांस में, उसे गिफ्ट देता है 2000 सिल्वर दिनार्स, मतलब उस टाइम पीरियड पे। और इवन उन्हें कहा गया कि आप क्या कहते हैं यहाँ पे गाजी की पोस्ट पे रहेंगे तो आपको सालाना 5000 दिनार जो है एज अ सैलरी के रूप में दिया जाएगा। तो मौजा ही मौजा हो गया इसका, इस बंदे का अपना टशनी था, अलग ही अलग लेवल पे ये लाइफ गुजर बसर कर रहा था यहाँ पे इंडिया पे। लेकिन आपको पता है कि कोई भी चीज़ जो है, नथिंग इज परमानेंट इन दिस वर्ल्ड एज गौतम बुद्ध सेड टू अस। तो यहाँ पे अगर कुछ भी परमानेंट नहीं है तो आप देखेंगे यहाँ पे भी कुछ परमानेंट नहीं था। कुछ टाइम पीरियड तक यहाँ पे ये सत्ता चलाता रहा, लेकिन उसकी अनबन हो गई थी मोहम्मद बिन तुगलक से, फिर इसको जेल वेल में बंद कर दिया गया। फिर जब फाइनली चीज़ें खुलने के बाद इसे समझ में आया कि मैंने कुछ गलतियाँ करी होगी, तो यहाँ पे फिर इसको माफ़ करा गया, और माफ़ करने के बाद ही बिकम द एम्बेसडर ऑफ इंडिया, और एम्बेसडर बनने के बाद इनको चाइना भेज दिया जाता है।
चाइना भेज दे गया। अभी चाइना जब रहे, मतलब जब ये दिल्ली आए तो ऐसे तो नहीं दिल्ली में ही रहे, दिल्ली में बहुत सारी चीज़ें सीखी होगी, दिल्ली के आसपास के प्लेसेस पे गए होंगे। सिंध से जब ये क्या कहते हैं दिल्ली आए तो कितना ट्रैवलिंग लगा, कैसा समय लगा, और उसके बाद जब चाइना जा रहे थे एम्बेसडर बन के, तो इनको कब भेजा गया, 1342 के अंदर। मतलब कहने का मतलब ये था कि ये बंदा 1333 से लेके 1342 के टाइम पीरियड तक, ठीक है, लगभग 9 साल, 9 ईयर ही स्पेंड इन इंडिया, या जितना भी पार्ट के कहते हैं मोहम्मद बिन तुगलक का हो सकता था, उसने 9 ईयर यहाँ पे स्पेंड करा। और 9 ईयर स्पेंड करने के बाद इस बंदे ने भारत के बारे में जो कुछ लिखा, भारत के बारे में जो कुछ बताया, वो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। एंड वी आर स्टार्टिंग इन 12th क्लास, तो हमें जानना ज़रूरी है। और EVSC एस्पिरेंट जो पढ़ रहे हैं तो उनके लिए तो पता ही है कि ये यार हिस्ट्री का पोर्शन है जिसका ऑप्शनल सब्जेक्ट है, उसको तो पढ़ना ही पड़ता है। तो आप इतना समझ लीजिए कि एक बात है कि क्या कहते हैं यहाँ तक ही आपको क्या कहते हैं जाना है, और इतना ही आपको समझना है। इतना बेसिक अगर आप समझ लेंगे तो फिर आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। सो लेट्स टॉक। अब ये इंडिया से चाइना जाते हैं, तो इंडिया से चाइना होते हुए एक ऐसे नहीं चले जाते हैं, देखिए यहाँ पे ये मुल्तान से सिंध आए, तो यहाँ पे सिंध के बाद ये फिर यहाँ पे कोस्टल लाइन मालाबार कोस्ट, ये देख सकते हो यहाँ पे फ्रॉम मालाबार कोस्ट ही वेंट टू मालदीप, मालदीप गए मालाबार कोस्ट से। ये मालदीप कहाँ, सॉरी ये मालदीप है, यहाँ पे आपको मालदीप दिखाई दे रहा होगा, यानी कि यहाँ पे 1342-41 के टाइम पीरियड में मालदीप गए होंगे। मालदीप से ही टुक शिप टू सुमात्रा, और यहाँ से सुमात्रा के लिए उन्होंने क्या कहते हैं शिप ली, सुमात्रा इंडोनेशिया की प्लेस है, वहाँ पे शिप ली। एंड देयर अनदर शिप फ्रॉम द चाइनीज पोर्ट टाउन्स नाउ इज क्वाजोन करके जो भी प्लेस है, मतलब ये बंदा यहाँ से शिप लेता है, देन फाइनली यहाँ पे देखो ये प्लेस दिख रही है आपको, यहाँ पे ये बंदा पहुँचता है। यहाँ पे पहुँचने के बाद ही ट्रैवल एग्जिट, मतलब बहुत ही बड़ी मात्रा के अंदर एग्जिस्टेंसली बहुत ज़्यादा घूमा ये, और ये क्या कहते हैं गोइंग एज फार बीजिंग एंड रिटर्न टू 1347, मतलब 1342 में इंडिया से निकला और 1347 5 साल तक चाइना घूमता रहा, देन फाइनली ही बैक टू हिज होम टाउन, और अपनी जगह पे आया वो बंदा, फिर वो इंडिया नहीं आया। तो इंडिया में जब आया तो इंडिया के लिए ज़रूरी है, चाइना में जब गया तो चाइना भी अपने कल्चर के अंदर अपने इतिहास के अंदर इसको दिखाते होंगे इस बंदे को कि यार ये बंदा आया तो इसने हमारे चाइना के बारे में क्या लिखा, वो हमारे लिए ज़रूरी हो जाता है, उनके लिए ज़रूरी रहता है। उतना आप पढ़ लीजिएगा, ये उसकी प्लेसेस है कि कहाँ कहाँ वो चाइना के कौन कौन से हिस्से में गया, ये मैप मैंने विकिपीडिया से उठाया था ताकि आपको समझ में आ सके। सो लेट्स टॉक अबाउट दिस पर्सन कि भाई क्या कहते हैं इस बंदे ने इस चीज़ को प्रूफ करके दिखाया, जैसे कि आपने फिल्मों के अंदर देखा होगा कि ये इश्क नहीं आसा, एक प्यार का दरिया है और डूब के जाना है, सेम ऐसा ही इसके साथ हुआ था। इसने बताया द ट्रैवलिंग इज़ नॉट ईजी, अब आपको क्या कहते हैं ट्रैवलिंग करनी है तो रिस्क बहुत लेना पड़ेगा, यहाँ पे भी रिस्क इस बंदे ने लिया, और आप देखेंगे रिस्क है तो रिस्क है। तो यहाँ पे इस बंदे ने क्या चीज़ प्रूफ करके दिखाई वो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ से जब ये बंदा क्या कहते हैं ट्रैवलिंग करता था, तो इसने बताया कि ट्रैवलिंग करना इतना हलवा नहीं है, मतलब कोई बंदा क्या कहते हैं एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे गया है तो ऐसी हवा में नहीं चला गया है, हवा में नहीं गया है। सो दैट इज़ वाई उसने बताया, उसने स्टोरी डिस्क्राइब करी, उसने बताया कि ट्रैवलिंग करने में कितना खतरा होता है और एक प्लेस से दूसरे प्लेस में जाने में कितना समय लगता है। तो 40 डेज उसने मुल्तान से दिल्ली बताया, ये मुल्तान आपको दिखाई दे रहा होगा, मुल्तान से दिल्ली। अच्छा, ये मुल्तान आज कौन सी प्लेस पे है, यू नीड टू फाइंड दिस, ठीक है। मुल्तान से दिल्ली बताया उस बंदे ने कि यहाँ पे आने के लिए 40 दिन लगते हैं, 50 डेज सिंध टू दिल्ली, यानी कि सिंध से आने में दिल्ली, यहाँ तक आने में दिल्ली 50 दिन लगते हैं। उसके बाद दौलताबाद आपका यहाँ महाराष्ट्र के आसपास का प्लेस है, ठीक है, दौलताबाद से दिल्ली आने में 40 डेज लगते हैं। उसके बाद इसने बताया कि ग्वालियर MP है यहाँ कहीं आसपास, MP से दिल्ली आने में 10 दिन लगते हैं। इस बंदे ने प्रूफ करके बताया, इसने बताया कि इतना ट्रैवलिंग करना इतना आसान नहीं होता है, ट्रैवलिंग करने में बहुत सारे खतरे भी होते हैं। इसने बताया कि कई बार तो ऐसा होता था हमारे पास ट्रैवलिंग करते समय कि बहुत बड़े क्या कहते हैं बहुत मतलब झुंड जो होते थे वो ट्रैवलर के, वो रॉबर्स होते थे, मतलब चोर होते थे जो हमला कर देते थे, हमारे ऊपर अटैक कर देते थे। कई बार इब्न बतूता के साथ ऐसा सीन हुआ है कि उसके ऊपर भी अटैक हुआ है, लेकिन बंदा जो है आपको पता है इस
बंदे ने कहा रिस्क है तो इश्क है, तो इस बंदे ने बहुत ट्रैवलिंग करी, इनसिक्योरिटी भी झेली, इवन काफिले पे जब इनके अटैक होता था तो कई बार ये भी बचते थे। और यहाँ पे कभी कभार ऐसा होता था यात्रा करते करते समय तबीयत भी खराब हो जाती थी, पेट खराब हो जाए तो और बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, आप समझ पा रहे हैं। उसके बाद क्या कहते हैं, खाने पीने का सिस्टम इतना लंबा लंबा, बस चले ही जा रहे हैं, तो सोचो कितनी ज़्यादा दिक्कतें हो जाती है रास्ते के अंदर। तो बहुत सारी चीज़ें इसने बताई, मेंशन करी, एंड दिस इज द मेंशन इन दिस बुक रिहाला। रिहाला एक ऐसी बुक है जिसे आप देखेंगे ट्रैवलिंग के वक्त इन्होंने यूज़ करी थी। रिहाला का मतलब ही यात्रा होता है, ठीक है। अब ये बुक जो है पूरी तरीके से अरबी लैंग्वेज में लिखी गई थी, सोशल और कल्चर लाइफ के सब कॉन्टिनेंट, एशिया के सब कॉन्टिनेंट को बहुत अच्छी तरीके से बताती है। ही केयरफुली रिकॉर्डेड हिज ऑब्जर्वेशन अबाउट द न्यू कल्चर, पीपल, बिलीव्स एंड द वैल्यूज। ये रिहाला बुक है, इसने अरबी लैंग्वेज के अंदर इसको लिखा और इसने बताया कि उस टाइम पीरियड पे लोगों का विश्वास, धर्म, सोच, संस्कृति भारत के अंदर 33 से लेके 42 तक जब ये था, तो इसने जो भी चीज़ें नोटिस करी वो सारी की सारी चीज़ें इस बंदे ने अपनी बुक रिहाला के अंदर लिखी। तो रिहाला और किताब है अल हिंद बुक, दोनों ही आपको याद रखनी पड़ेगी कि दोनों में डिफरेंशिएट क्या है, ठीक है। तो इस बंदे ने सारी चीज़ें बताई, रिहाला बुक लिखी इस बंदे ने। लिखने के बाद इसने क्या कहते हैं, जब ये चाइना गया था, चाइना में जब इसने कम से कम 42 से 47 तक जब इसने चाइना के अंदर ट्रैवलिंग करी तो वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें लिखी। देन फाइनली अपने भारत में आ जाता है, अपनी कंट्री मोरक्को में चला जाता है। और जब मोरक्को में चला जाता है तो वहाँ के अफ्रीका, वेस्ट एशिया, पार्ट ऑफ सेंट्रल एशिया, यहाँ की जो भी चीज़ें वो घूमा वो बंदा, तो जब वो मोरक्को वापस गया अपने नेटिव लैंड में, तो वहाँ के लोकल रूलर ने इनकी स्टोरीज़, इनकी चीज़ों को रिकॉर्ड करा। और रिकॉर्ड करने के लिए इब्न जुजाई करके एक बंदा था जिसने इन चीज़ों को रिकॉर्ड करा। वो कहानियाँ बताता था कि ऐसा ऐसा केसेस मेरे साथ हुए थे चाइना के अंदर, ये चीज़ें मैंने देखी, तो उसको रिकॉर्ड करने के लिए एक बंदा अपॉइंट करा जाता था वहाँ के लोकल रूलर्स के द्वारा। तो ये इब्न जुजाई कभी कभार एग्जाम्पल पूछ लेता है आपसे कि क्या है ये, तो इस हिसाब से बंदा बहुत इंपॉर्टेंट बंदा हो गया। अब यहाँ पे आप नोटिस करेंगे कि उस टाइम पीरियड के अंदर सिर्फ और सिर्फ क्या कहते हैं, ट्रैवलर के बिहाव पे इब्न बतूता नहीं था। 14 से 18 सेंचुरी के बीच के टाइम पीरियड में हमारे भारत के अलग अलग पार्ट पे अलग अलग लोग आए थे, और उनको बताने के लिए हमारे भारत के अंदर कोई ऐसा शाहरुख खान बना नहीं था कि धरती सुनहरी, अंबर नीला, हर मौसम है रंगीला, ऐसा देश है मेरा। जब बाहर के ट्रैवलर्स आते थे तो देश को अपने ऑब्जर्वेशन के हिसाब से देखते थे, ना ही कि जो दूसरे लोग उनको बता रहे होते हैं। तो उस टाइम पीरियड पे अलग अलग ट्रैवलर्स आए थे, आप देख सकते हो यहाँ पे अब्दुल रजाक है ना, इसके बारे में आगे वाले चैप्टर के अंदर मेंशन है। वो साउथ इंडिया के अंदर आया था, तो विजयनगर साम्राज्य के बारे में उसने क्या देखा। महमूद वली बख्शी बाल्खी, और शायद शेख अली हसन, मोहम्मद बाल्खी, उसके बाद हसन, मतलब बहुत ऐसे ऐसे बंदे आए हैं तो जो जिन्होंने भारत को अलग अलग नज़रिए से देखने की कोशिश करी है। इनके बारे में आगे वाले चैप्टर्स के अंदर बताया गया, तो इसमें कुछ नहीं है। हाँ, अब ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, जब वो बंदा क्या कहते हैं 1333 से 42 के बीच में रहा, तो उसने बहुत सारी ऐसी चीज़ें देखी जो उसके लिए एक्साइटमेंट से भरी हुई थी, जिनमें से नंबर 1 था पान के बारे में, नंबर 2 था इब्न बतूता ने शहर देखे थे, और नंबर 3 का यूनिक सिस्टम ऑफ कम्युनिकेशन। ये तीन चीज़ें इब्न बतूता ने रिहाला बुक के अंदर बताया जो हमारे लिए जरूरी है, हमारे पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी है। तो आप नोटिस करेंगे, नंबर 1 उसने पान के बारे में बताया, उसने कहा कि पान और जो क्या कहते हैं ना, यहाँ पे कोकोनट है, नारियल है, वो एक तरीके का पौधा है कंप्लीटली, उससे वो अनफेमिलियर था। इवन वहाँ की मोरक्को की ऑडियंस या वहाँ के लोगों के बारे में भी नहीं पता था कि पान एक ऐसी चीज होती है जो क्या कहते हैं एक नॉर्मली प्लांट होता है, उस प्लांट को भी खाया जाता है, उसमें बिटल्स डाले जाते हैं, फिर लोगों से मुंह में डालते हैं, उसे समझ में नहीं आता था ये है क्या चीज़। तो उससे पूरी तरीके से वो अनफेमिलियर था, और उसने बताया था कि ये चीज़ें बहुत टाइम पीरियड से इस्तेमाल हो रही थी। और आपको पता है कि मुगलों के टाइम पीरियड में तो पान खाना एक शौक की बात थी, नवाबों के लिए शौक की बात थी। लखनऊ के अंदर जो बच्चा इसको देख रहा है, तो लखनऊ के अंदर आपको पता है आज की डेट में लाखों रुपये का पान भी मिलता है, तो बहुत ही मतलब एक नवाबी किस्म की चीज़ थी जो उस समय पे मुगलों के टाइम पीरियड के बाद भी इस्तेमाल हुआ करती थे। लेकिन इब्न बतूता ने अपनी बुक के अंदर उस समय रिहाला में मेंशन करा था इसके बारे में, तो सोचिए इससे पहले भी लोग इसका सेवन कर रहे होंगे। तो पान के भी आप देखेंगे कि भारत के अंदर टाइप्स है, ठीक है, मतलब बनाने के टाइप्स है, और उनको अलग अलग नेम से पुकारा जाता है। सो इफ यू नो दैट, सो यू नीड टू फाइंड दिस,
एंड यू नो, अगर आपको पता है तो कमेंट जरूर करिएगा। वीडियो अच्छी लग रही है तो भाई लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल नया मिला है आपको इंटरेस्टिंग वे में तो आप सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, आपके लिए बहुत जरूरी रहेगा। अच्छा, दूसरी बात, वो बंदा था क्योंकि मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पीरियड में वो तुगलक डायनेस्टी में रहता था, तो तुगलकाबाद के अंदर जो भी मार्केट प्लेस थी उसने घूमी और वहाँ पे सिटीज़ को उसने क्या कहते हैं इंडियन सिटीज़ को मेंशन करा। उसने बताया कि जहाँ पर भी क्या कहते हैं घनी आबादी होती थी, जहाँ पे लोग क्या कहते हैं ज़्यादा रहते थे, आक्रमण होने के, अटैक होने के चांसेस भी वहीं पे ज़्यादा होते थे। इवन उसने अपने खाते में ये बताने की कोशिश करी, अपने अकाउंट्स में ये बताने की कोशिश करी कि बहुत ऐसी जगहें थी जहाँ पे सड़कों पे बहुत भीड़ भाड़ देखने को मिलता था और बहुत ही रंग बिरंगे बाजार देखने को मिलते थे और सामान वहीं पे मिलता था। उस बंदे ने दिल्ली को और दौलताबाद, यहाँ का प्लेस है, इन दोनों को उस बंदे ने कहा कि यार ये दोनों ही भीड़ भाड़ वाले इलाके थे और इसके अलावा कोई ऐसे भीड़ भाड़ इलाके जो है उनको देखने को नहीं मिले। महाराष्ट्र के अंदर दौलताबाद पड़ता है और दिल्ली के अंदर, आपको दिल्ली पता ही है, उस टाइम पीरियड पर भी क्या कहते हैं दिल्ली की आबादी इतनी ज़्यादा थी आपके मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पीरियड में भी। तो ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट चीज़ हो सकती है, तो आप यहाँ पे देख लीजिएगा। उन्होंने दिल्ली और दौलताबाद को ज़्यादा मेंशन करा हुआ अपने अकाउंट्स के अंदर एज अ पॉपुलेशन के बिहाब पे, तो आप देखेंगे जहाँ पॉपुलेशन ज़्यादा होती है मार्केट भी हमें वहीं देखने को मिलती है और बाजार भी सबसे ज़्यादा रंग बिरंगे वहीं देखने को मिलते हैं। दूसरा, उस बंदे ने बोला कि जो भी बाजार थे वहाँ पर आप देखेंगे मस्जिद हुआ करती थी, बाजार के अंदर मंदिर भी हुआ करते थे और थोड़े से आज की डेट में जिस तरीके से रेड लाइट एरियाज अगर आपको देखने को मिलते हैं तो वो चीज़ भी वहाँ पे ओपन थी। वहाँ पे अगर कोई भी बंदा बाहर से ट्रैवलिंग करके बिजनेस के मकसद से मार्केट में आया है तो अपनी सुख सुविधाओं के लिए, गाना सुनने के लिए, डांस करने के लिए, क्लब टाइप चीज़ें जो होती थी वो मार्केट्स में होती थी, वो वहाँ जा सकते थे। तो ये भी थोड़ा बहुत उसने बताने की कोशिश करी है। इवन इब्न बतूता ने ये भी नोटिस करने की कोशिश करिए कि विलेज के लोग ही जो होते थे वो अपना पैसा खर्च करने के लिए शहरों में आते थे और वहीं पे वो सामान लिया करते थे और राजा जो था वो क्रॉप्स का क्या कहते हैं 2 ईयर ऑफ क्रॉप्स का प्रोडक्शन जो था एज अ टैक्स के रूप में लोगों से लिया करता था। तो ये भी एक क्या कहते हैं चीज़ देखी जा सकती है। और दूसरा, यहाँ पे उन्होंने बताया कि भारत में उस टाइम पीरियड के अंदर जो क्या कहते हैं कॉटन हुआ करता था, कॉटन की कैटेगरी भी अलग अलग थी, जैसे कि सूती कपड़े, बढ़िया मलमल, रेशम, ब्रोडकेट्स और साटन, ये बहुत ही महंगा मार्केट में बिकता था दूसरी मार्केट्स में, भारत के अंदर बहुत अच्छा मिलता था। और बताया जाता था कि मलमल की कई किस्में तो इतनी महंगी होती थी कि सिर्फ रईस लोग ही उन्हें पहन सकते थे। तो मलमल एक तरीके का कॉटन है जो इतना बारीक है, जो ठंड के समय आपको गर्मी देता है, गर्मी के समय आपको ठंडी का एहसास देता है। तो वो एक चीज़ जो थी उस टाइम पीरियड पर, आप देख सकते हैं कि यहाँ से बाहर की मार्केट इंडिया से कितनी ज़्यादा अट्रैक्ट हुई होगी, ये चीज़ भी इसने मेंशन करी अपनी बुक रिहाला के अंदर। दूसरी बात इसने मेंशन, तीसरी बात इसने मेंशन करी, यूनिक सिस्टम ऑफ कम्युनिकेशन। मतलब ट्रैवलिंग के लिए तो उसने क्या बताया था, अगर आपको याद हो तो ट्रैवलिंग के लिए उसने बताया था कि अगर आप घोड़ों के थ्रू जा रहे हैं तो आपको इन इन प्लेसेस पे जाने के लिए इतना इतना समय लगता है, ये तो मैंने आपको बता दिया। लेकिन उसने ये बताया कि अगर सुल्तान को कोई भी इन्फॉर्मेशन शेयर करनी है एक प्लेस से दूसरे प्लेस में, तो इन्फॉर्मेशन शेयर करने के लिए, सूचनाओं को शेयर करने के लिए उस बंदे ने बताया कि भाई इनका सिस्टम बहुत यूनिक था जो हमारी कंट्री के अंदर नहीं था। पहले के टाइम पीरियड के अंदर जो वो थे आपके चंगेज़ खान, वो कबूतर का इस्तेमाल करते थे एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे सामान को ले जाने के लिए, और ये चीज़ हमने फिल्मों के अंदर भी देखी है, जा कबूतर जा जा, ये सीन हमने देखा है। लेकिन यहाँ पे मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पीरियड पे कम्युनिकेशन का सिस्टम बिल्कुल ही अलग था, और जो अलग था ना वो हमें देखना है। अब यहाँ पे यूनिक सिस्टम ऑफ कम्युनिकेशन उसने बताया कि जब एक एक मैसेंजर एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर जाता था तो रास्ते में उनके बीच में कोई भी उन्हें रोक नहीं सकता था। तो ट्रैवलिंग के लिए बोला जाता था कि ऑलमोस्ट ऑल ट्रेड रूट्स के ऊपर इन्स और हमें गेस्ट हाउस देखने को मिलते थे। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है, सराय और गेस्ट हाउस जो उस टाइम पीरियड पे हमें देखने को मिलते थे वो आप देख सकते हैं, ये चीज़ भी हमें देखने को मिली है यहाँ पे। और उसके बाद क्या कहते हैं, उसने बताया कि अगर न्यू रिपोर्ट्स ऑफ स्पाई वुड बी रीच सुल्तान थ्रू द पोस्टल सिस्टम इन जस्ट 5 डेज। मतलब मुल्तान से अगर दिल्ली किसी को घोड़े के थ्रू आना है तो उसको 40 दिन लगते हैं, लेकिन किसी सूचना को, किसी इंफॉर्मेशन को अगर पहुँचाना है सुल्तान तक मुल्तान से दिल्ली, तो सिर्फ 5 दिन के अंदर वो इन्फॉर्मेशन आ जाती थी। तो ये बहुत
मॉडल सिस्टम था जिसमें से एक उल्लूक था और उसके बाद एक था दावा। तो ये समझ लीजिए आपको सब समझ में आ जाएगा। उल्लूक एक ऐसा सिस्टम है जिसमें क्या होता था, घोड़ा होता था, एक आदमी घोड़े पे बैठा है और एक किलोमीटर, ठीक है, एक किलोमीटर में कुछ एक माइल्स जो होते हैं वो ज़्यादा होते हैं, ठीक है, माइल्स ज़्यादा होते हैं। तो आप सिंपल सा ये समझ लीजिए कि हर चार किलोमीटर के अंदर क्या कहते हैं, एक डिस्टेंस पे एक स्टेशन बनाया जाता था। मतलब मान लीजिए कि कोई बंदा ए पॉइंट से भागना चालू करा घोड़े के थ्रू, तो वो 5 किलोमीटर तक भागेगा और बी डिस्टेंस के अंदर एक और बंदा होगा, फिर वो बी से सी के पास भागेगा 4 किलोमीटर, मतलब 4 किलोमीटर के दायरे के अंदर वो घोड़ा रुकेगा नहीं। इससे बहुत तेज़ी से इन्फॉर्मेशन जो है भेजी जा सकती थी कि हर 4 किलोमीटर के अंदर एक पोस्ट बनाया जाता था कि यहाँ से कोई बंदा एक इन्फॉर्मेशन लेके भाग रहा है, उसके रास्ते में कोई नहीं आएगा, सब उसे रास्ता दे देंगे और उसके बाद वो बी के पास जाएगा, वो उसको सामान देगा, फिर उसके बाद बी जो है सी तक पहुँचेगा, उसको कोई नहीं रोकेगा, सी डी तक पहुँचेगा। ये सिस्टम किस में था, ये उल्लूक में था, जिसे हम घोड़ों के थ्रू बोलते हैं। और एक था दावा। दावा में क्या होता था कि एक किलोमीटर को क्या करते थे, 3 हिस्सों में बांट दिया करते थे कि भाई यहाँ से कोई बंदा ए से भागेगा तो वो यहाँ पे रुक जाएगा, यहाँ से कोई भागेगा यहाँ पे रुक जाएगा, यहाँ से कोई भागेगा यहाँ पे रुक जाएगा। तो इस तरीके से क्या करते थे कि 1 किलोमीटर के अंदर 3 जोन बना लिया करते थे लोग जो भाग के पहुंच जाए। तो पैदल भी और क्या कहते हैं घोड़ों के थ्रू, दोनों के सिस्टम के थ्रू दावा और जो उल्लू जो सिस्टम था वो दोनों के दोनों आपको यहाँ पे बताए गए हैं। किसके द्वारा, इब्न बतूता के द्वारा। किस टाइम पीरियड में, रिहाला में, जब वो भारत के अंदर रहा था। सो आई होप यू गॉट सो मच इन्फॉर्मेशन अबाउट दिस। हमने ये चैप्टर 5th का सेकेंड पार्ट अपलोड कर देना है, तो अब हमारा वीडियो का 3रा पार्ट जल्द ही आएगा, आपको जल्द ही अगली वीडियो में मिलेंगे हम। दिस इज इट इन दिस वीडियो। अगले पार्ट में हम क्या कहते हैं थोड़ा आपको फ्रांसो बर्नियर के बारे में बताएंगे, उस बंदे ने क्या 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 चीज़ें करी थी, वो सारी चीज़ें आपसे डिस्कस करी जाएगी। बस आपका प्यार ऐसे ही बना रहना चाहिए, हमारे चैनल पे एंड तक जुड़े रहिएगा, 100% रिजल्ट देने की गारंटी हमारी है। आप बस हमारे चैनल के साथ बने रहिएगा, आपको सारी इन्फॉर्मेशन वेल एंड ओके तरीके से मिलेगी, तो जो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो जल्दी आप वीडियो के अगले पार्ट में मिलते हैं। अगर आपको अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब जरूर करेगा एंड लाइक द वीडियो। दिस इज इट इन दिस वीडियो।